हम पढ़ चुके थे कि आवर्धन तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनुदैर्ध्य आवर्धन, दूसरा होता है अनुप्रस्थ आवर्धन और तीसरा होता है कोणीय आवर्धन। ठीक है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ आवर्धन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे कोणीय आवर्धन के बारे में। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या होता है कोणीय आवर्धन? इसकी परिभाषा है, यदि किसी लेंस के लिए अपवर्तित किरण तथा उसके संयुग्मित निर्गत किरण मुख्य अक्ष से क्रमशः थीटा वन तथा थीटा टू कोण बनाती है, तो इन कोणों के स्पर्श जा यानी जो टेन थीटा होता है उसके अनुपात को उस लेंस के लिए क्या कहते हैं? कोणीय आवर्धन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें, किसी लेंस के लिए जो अपवर्तित किरण होती है, ठीक है, वो मुख्य अक्ष से जो कोण बनाती है उसे हम मान लेते हैं कुछ ठीक है उसका टेन थीटा, तथा उसके संयुग्मित जो निर्गत किरण होती है वो जो मुख्य अक्ष से कोण बनाती है उसे हम कोई कुछ कोण मान लेते हैं उसका टेन थीटा। इन दोनों के अनुपात को हम उस लेंस के लिए क्या कहते हैं? कोणीय आवर्धन कहते हैं। किसी लेंस तंत्र के लिए आपतित किरण और उसके संयुग्मित निर्गत किरण द्वारा मुख्य अक्ष पर हम मान लेते हैं क्रमशः थीटा वन तथा थीटा टू कोण बनाए जाते हैं, तो इन कोणों के स्पर्श्या टेंजेंट के अनुपात को उस लेंस का कोणीय आवर्धन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें जो कोणीय आवर्धन होता है वो होता है टेन थीटा टू अपन टेन थीटा वन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। इसकी परिभाषा है, यदि किसी लेंस तंत्र के लिए यदि किसी लेंस तंत्र के लिए आपतित किरण एवं उसके संयुग्मित निर्गत किरण किरण द्वारा मुख्य अक्ष पर क्रमशः थीटा वन तथा थीटा टू कोण बनाया जाता है, तथा थीटा टू कोण बनाया जाता है तो इन कोणों के स्पर्श्य पर जो टेंजेंट होता है टेंजेंट के अनुपात टेन थीटा टू अपॉन टेन थीटा वन को उस लेंस के लिए कोणीय आवर्धन कहलाता है। कोणीय आवर्धन कहलाता है। इसे अल्फा से भी डिनोट करते हैं या एम थीटा। ठीक है, एम मतलब मैग्निफिकेशन और थीटा मतलब एंगल के लिए, टेन थीटा टू अपॉन टेन थीटा। ये क्या कहलाता है? कोणीय आवर्धन। अब हम तीनों आवर्धन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला आवर्धन हमने कौन सा पढ़ा था? फर्स्ट आवर्धन हमने पढ़ा था अनुदैर्ध्य आवर्धन। सबसे पहला आवर्धन अपना क्या होता है? प्रतिबिंब का आकार अपन बिंब का आकार। ठीक है, ये तीन प्रकार का होता है, अनुदैर्ध्य आवर्धन, अनुप्रस्थ आवर्धन और कोणीय आवर्धन।
अनुदैर्ध्य आवर्धन क्या कहलाता है? यदि हम बीम और प्रतिबिंब का मुख्य अक्ष के अनुदिश विस्तार जो होता है वो DU और DV मान लें, ठीक है, तो जो ML होगा अपना लॉन्गिट्यूडनल जो विस्तार होगा अनुदैर्ध्य आवर्धन का, अनुदैर्ध्य आवर्धन ML क्या कहलाएगा? DV अपॉन DU, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था अनुप्रस्थ आवर्धन। यदि किसी लेंस तंत्र के लिए यदि प्रतिबिंब की लंबाई हम कितनी मान लें? आई, सबिंब की लंबाई हम मान लें ओ, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा आई अपन ओ वो क्या कहलाएगा? अनुप्रस्थ आवर्धन कहलाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा लेंस हो गया और लेंस का ये प्रकाशीय केंद्र होगा, ठीक है, ये प्रकाशीय केंद्र है, ये क्या है? फोकस है। तो एक वस्तु है और वस्तु कहाँ स्थित है? प्रकाशीय केंद्र फोकस के बीच में स्थित है। जब बीम या वस्तु प्रकाशीय केंद्र फोकस के बीच में स्थित होती है तो जो प्रतिबिंब बनता है ये प्रतिबिंब अपना क्या बना है? आई बना है। लेंस के उसी ओर सीधा, बड़ा और आभासी बनता है, ठीक है। कैसे बनता है? क्योंकि जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण है, पतले लेंस से प्रतिबिंब के नियम है, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए अपवर्तित हो जाती है, ठीक है, तो उसके पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ जाएगी। और जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण होती है, ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण है वो पतले लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, जो है ना मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है उत्तल लेंस के, ठीक है, वो लेंस से अपवर्तित होकर उत्तल लेंस के फोकस होकर जाती है, उसको पीछे बढ़ाएंगे यहाँ पर मिलेगी। जो प्रतिबिंब बन रहा है जब बीम या वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में हो तो जो अपना प्रतिबिंब बनता है वो लेंस के उसी ओर सीधा, बड़ा और आभासी बनता है, ठीक है। मतलब ये इस स्थिति में जो अपना अनुप्रस्थ आवर्धन होगा वो धनात्मक होगा, क्योंकि जो प्रतिबिंब बना अपना, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, उसकी जो लंबाई है, ठीक है, वो मुख्य अक्ष अपना जो है PCF के क्या है? ऊपर है, और ऊपर की ओर अपनी जितनी भी है ना लंबाइयाँ होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। तो जो प्रतिबिंब की जो साइज है आई वो भी क्या होगी? धनात्मक होगी, मुख्य अक्ष के ऊपर है, और जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो भी क्या होगी? धनात्मक होगी, ठीक है। जो जो अपना MT आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अनुप्रस्थ आवर्धन यह क्या होगा? धनात्मक होगा, ठीक है। तो जो M होगा इस कंडीशन में वो प्लस आई अपॉन होगा।